Hello friends, welcome back to the channel Hubby and Me and welcome back to a new vlog. जी हाँ, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये है हमारे बेबी का वेलकम व्लॉग. एंड जब हम उसको हॉस्पिटल से घर लेके आए थे तो कैसे वेलकम हुआ था घर में. एक्चुअली यहाँ पे बैंगलोर में तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी ही सिर्फ थे जब बेबी का बर्थ हुआ, जब उसको घर लेके आए. तो बिकॉज कोरोना की वजह से फ्रेंड्स या और कोई फैमिली मेम्बर नहीं आ पाया, तो हम तीनों मिलके ही उसका वेलकम किए जैसे पॉसिबल हुआ. तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि हम डेकोरेटर्स को बुला के अच्छे से डेकोर करवाएंगे वेलकम के लिए, बट अचानक से बैंगलोर में उस टाइम पे जब बेबी का बर्थ हुआ जून में, तो अप्रैल मई से तो कोरोना केसेस बढ़ गए, जिस वजह से बाहर के लोगों को ला के डेकोरेट करवाना ये हम लोग सही नहीं समझे. और फिर तो वो प्लान कैंसिल हो गया. और तो पता नहीं था, मुझे डाउट लग रहा था कि क्या होगा, हम लोग अच्छे से बेबी का वेलकम नहीं कर पाएंगे. तो थोड़ा वो एक मतलब डिसअपॉइंटमेंट रह जाती, बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड ने, बेबी के पापा ने वो कभी पूरी कर दी. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये जेस्चर किया. मतलब ऑब्वियसली ही इज़ द फादर, तो वो तो करेंगे ही, बट स्टिल क्योंकि वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से वो टाइम निकाल के घर आए, आके मेहनत करके डेकोरेशन किया, फिर हॉस्पिटल गए मेरे पास. तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बेबी के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है. तो बहुत अच्छे से उन्होंने बलून से डेकोरेट किया था घर को, और फिर बेबी के लिए उन्होंने सरप्राइज़ फर्स्ट गिफ्ट उनकी तरफ से, हमारी तरफ से झूला खरीद के वो भी रख दिया था वेलकम के टाइम पे. तो बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट ढंग से हम लोग बेबी का वेलकम कर पाए. हम तीनों मिलके ही जितना हो सके हर मोमेंट्स को थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, चाहे वो मेरा बेबी शावर हो, जो ऑलरेडी व्लॉग है चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लेना. तो हाँ, हम लोगों ने ऐसे सारे ओकेशन सेलिब्रेट करने की कोशिश की है इवन ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि लोगों को हम बुला नहीं पाए तो खुद में ही सेलिब्रेट किया है. तो इसीलिए जो भी मोमेंट्स कैप्चर किए थे, जैसे बेबी शावर में, फिर बर्थ, डिलीवरी व्लॉग जो बनाया, तो बिट्स एंड पीसेस में जो भी कैप्चर कर सके हम लोग, क्योंकि तीन लोग ही है तो इसलिए थोड़ा रिस्ट्रेंट्स था, बट फिर भी उसमें भी हम लोगों ने मोमेंट्स कैप्चर किए हैं हमारे खुद के मेमोरी के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो उसी में से एक ये व्लॉग है आज का, जो वेलकम व्लॉग है. बहुत छोटा सा व्लॉग है क्योंकि बहुत छोटे क्लिप्स है, तो वही हमने कैप्चर किए और आपके लिए हाजिर है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. हम आप लोगों को फैमिली समझते हैं, इसलिए हमारे जो स्पेशल मोमेंट्स है उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर व्लॉग्स. तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आगे ऐसे और भी व्लॉग्स आएंगे तो उसको ऐसे ही प्यार देते रहिए. और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के साथ साथ मैं जो माइक्रोवेव व्लॉग्स रेसिपीज शेयर करती हूँ वो भी मैं करूँगी, बट क्योंकि अभी जस्ट बेबी हुआ है तो आई एम लिटिल बिजी विथ हिम. तो जब थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए हम लोगों का, तो श्योरली मैं फिर से कंटिन्यूस माइक्रोवेव व्लॉग्स डालना शुरू करूँगी. तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए. और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए हबी एंड मी को. मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे. और हमारे बेबी का भी इंस्टाग्राम हैंडल बन गया है. जी हाँ, हमारे बेबी के जो फोटोज़ है, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ है, रील्स, वो मैं डालती रहती हूँ. तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, वो आप लोग इन्जॉय करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा. तो बेबी का भी इंस्टाग्राम आईडी मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे. तो डू फॉलो अस, एंड वहाँ पे जो व्लॉग पे नहीं आता है रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे आता है.
जो छोटे छोटे मोमेंट्स है, तो डू फॉलो अस। तो चलिए आगे का व्लॉग देख लीजिए और एंड तक देखिएगा, एंड टिल देन बाय बाय।